नमस्कार यूटीपी खबर को स्वागत प्रथमे मुख्य खबर ब्रह्मपुरर ऐतिह्य माँ बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर स्वतंत्र उन्नतीकरण दाबी रे बीजेपी तरफ आरडीसी कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ ब्रह्मपुर में विमानबंदर प्रतिष्ठा दाबी रे ब्रह्मपुर वरिष्ठ नागरिक मंच तरफ दक्षिणांचल राजस्व कमिश्नर कार्यालय सम्मुखें धारणा ओडिशा डेवलपमेंट फोरम तरफ ब्रह्मपुर में विमानबंदर प्रतिष्ठा दाबी रे खलीकोट कॉलेज सम्मुखें विक्षोभ ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू गुड सेड रोड स्वास्थ्य केन्द्र में ग्रहण कले कोरोना टीका एवं ऐतिह्य संपन्न जौगड़ महोत्सव को ऑनलाइन माध्यम रे उद्घाटन कले मुख्यमंत्री प्रिंस डांस ग्रुप और ख्यातनामा गायक अभिजीत मजुमदार मुख्य आकर्षण वर्तमान संपूर्ण खबर ब्रह्मपुर ऐतिह्य माँ बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर स्वतंत्र उन्नतीकरण करने दाबी नहीं बुधवार बीजेपी तरफ आरडीसी कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कर एक दाबीपत्र आरडीसी सचिवों जरिया मुख्यमंत्री उद्देश्य प्रदान कर राज्य में अन्न्य मंदिरगुड़ी जो भाई स्वतंत्र प्याकेजर व्यवस्था करपरी ब्रह्मपुर बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर उन्नति राज्य सरकार तुरंत स्वतंत्र प्याकेज घोषणा करतु बोली जिला बीजेपी सभापति विभूतिभूषण जेना और पूर्वतन सभापति कान्हुचरण पति दावी करते तेणु तुरंत राज्य सरकार मंदिर पुनरुद्धार सह पारिपार्श्विक भित्तिभूमि विकास करने पर्यटन मानचित्र स्थानित करने मंदिर चारिपाखे व्यवसाय केन्द्रगुड़िकर थैथान करने समेत अन्न्य दावी नहीं स्मारकपत्र प्रदान कर एथिरे एस राणी गंगाधर शतपथी शरत साहू एस रवि प्रभात किरण षडंगी विजय पंडा रामकुमार पात्र किरण साहू अनंत नारायण महांती समेत अन्यान्य बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित थे ब्रह्मपुर में विमानबंदर प्रतिष्ठा दाबी नहीं ब्रह्मपुर वरिष्ठ नागरिक मंच तरफ दीर्घ दिन धरी पोस्टकार्ड अभियान सह आंदोलन हो बुधवार दक्षिणांचल राजस्व कमिश्नर कार्यालय सम्मुखें धारणा दिया परपरी एक दाबीपत्र आरडीसी सचिवों जरिया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उद्देश्य प्रदान कर सरकार तुरंत ब्रह्मपुर और दक्षिण ओडिशावासी स्वार्थ दृष्टि विमानबंदर प्रतिष्ठा करतु बोली प्रतिष्ठाता सभापति त्रिनाथ महाराणा दावी करते एथिरे संपादक हिमांशु कुमार पटनायक युग्म संपादक ललित कुमार साहू नीलांबर साहू शिवप्रसन्न मिश्र रवींद्र साहू क्षत्री हरि सिंह समेत अन्य कर्मकर्ता उपस्थित थे ब्रह्मपुर सहर समेत गंजाम जिलार विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन माने ब्रह्मपुर रे विमान बंदर प्रतिष्ठा करिया पाई विभिन्न प्रकार तरीका रे लोकमानक ठागरे पहुंचिगी एवं तंगर मतामत ग्रहण करतंतु मु कहियो चाहे गंजाम जिलार समस्त विधायक विधायिका सांसद माने एई डेढ़ मास की मासेला आमे जो अभियान करछु ए अभियान को समर्थन करी बा विमान बंदर हवा आवश्यकता रही के स्वरतोलन करदी एवं वर्तमान करीकरण देवा चाहे कौन सी स्वेच्छासेवी संगठन कौन सी लोकों पाखे कौन प्रकार द्वंद्व सृष्टि करवा आम मतलब ना सब समाजसेवी समाज मंगल कामना कर समाजसेवी कर्तव्य परम धर्म कि आम दाबी रही ब्रह्मपुर भली एक ऐतिह्य सांस्कृतिक वाणिज्य एवं शिक्षानुष्ठान गंताघर थोड़ा स्थल ब्रह्मपुर सहर रे बा निकटे जहाँ संभव सेठारे ब्रह्मपुर विमान बंदर प्रतिष्ठा करिबा हमर ला दाबी ओडिशा डेवलपमेंट फोरम तरफ ब्रह्मपुर में विमानबंदर प्रतिष्ठा दाबी नहीं खलीकोट कॉलेज सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कर दीर्घ दिन विमानबंदर दाबी नहीं कौन सरकार पदक्षेप ग्रहण करूँ एठारे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई तेणु तुरंत राज्य सरकार विमानबंदर प्रतिष्ठा नक आगामी दिन में आंदोलन को जोरदार करार चेतावनी दिया बालकृष्ण सामंतराय श्रीकांत पाढ़ी चक्रधर राजू बनमाली पाढ़ी लक्ष्मी नारायण पाढ़ी राजेन्द्र प्रसाद भि सोमेश्वर राव प्रमुख उपस्थित थे सरकार
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ବୁଧବାର ଗୁଡ଼ସେଟ୍ ରୋଡ଼ସ୍ଥିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୋନା ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଧାନମେରା ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଅନିଲ ନାୟକ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପରି କରୋନା ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପରି କରୋନା ଟିକା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏପରି ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ଜଉଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବକୁ ସୋମବାର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜଉଗଡ଼ ବିକାଶ ଉପରେ ସେ ନଜର ରଖିଥିବା କହିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଓ ବିକାଶ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମହୋତ୍ସବରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଶୋଇ, ପୁଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ଚିକିଟି ବିଧାୟିକା ଉଷା ଦେବୀ, ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଆସିକା ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିନ୍ଧେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ଓଡ଼ିଶୀ, ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ୟାତନାମା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାର ରାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର, ସଭାପତି ସୁଦାମ ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ 14 ଜଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2010 ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଓଆର୍ଟି ଜମିକୁ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ସହ ମିଶାଇବାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ସହ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ମହାପାତ୍ର ମକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାରା ଭାରତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଔଷଧୀ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନଗର ସପ୍ତମ ଲାଇନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଓ ଜନଔଷଧୀ ଯୋଜନାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ କୁମାର ଗନ୍ତାୟତ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନରହରି ପଣ୍ଡା, ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଠାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
स्वेच्छासेवी संगठन करम्भा कमाण्डो पक्षरु 21 जन अवहेलित उद्योगी महिलांकु आर्थिक ओ सामाजिक उन्नति पय सहायता प्रदान करा जायछि। ब्रह्मपुर उपजिलापालंक कार्यालय रे उपजिलापाल भि कीर्तिभासन उपस्थित रही संप्रुक्त महिलांकु 5000 टंका लेखाए सहायता राशिर चेक बंटन करथिले। अध्यक्ष रामकृष्ण पात्र, उपदेष्टा रविरथ, विजयलक्ष्मी पात्र ओ सुभाष चंद्र पात्र एही अवसर रे उपस्थित थिले। आंकुलि मालिसाहि स्थित माँ कनक दुर्गा बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर में सिंह द्वार प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। मुख्यकर्ता विप्र नायक और गुलाब नायकों तत्वावधान में एपरि उत्सव आयोजित होता। सीपीएम नेता बाबुला नायक, बाबू महाराणा, हरेकृष्ण महाराणा, के श्रीधर दास, सोमनाथ पटनायक, एल सुदाम दास, बाबू नायक और विष्णु बेहरा समेत बहु अंचलवासी अवसर में उपस्थित थे। विनायक आचार्य स्कूल रो पुरातन छात्र मानक तरफ एक अवसरकालीन विदाय संवर्धना उत्सव पुरातन छात्र सनातन साहू अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि। एठारे कार्यरत कर्मचारी पूर्णचंद्र बेहरा अवसरकालीन संवर्धना दिया जाइथिला। एथिरे मुख्य अतिथि रूपे प्रधान शिक्षक लिंगराज स्वाई जोग देथिले। किराणी मुकुंद माधव पटनायक, समाजसेवी प्रदीप बेहरा, बुलु पात्र समेत बहु पुरातन छात्र एही अवसर रे उपस्थित थिले। रिटायरमेंट रो संवर्धना सहित आम विदाय संवर्धना आम ज्ञापन करुच्छू। कार्यशैली शेष होना आमपे सब बेले चिरस्मरणीय जो आज दिन की स्फूर्ति रही। विश्वनाथ दास स्मृति संसद तरफ बुधवार क्वीन मिशन हाईस्कल परिसर में विश्वनाथ दास स्मारकी वक्तृता प्रतियोगिता अनुष्ठित हो जाइछि। उत्तर प्रदेश राज्यपाल विश्वनाथ दास 133वां जयंती पालन अवसर में एपरी प्रतियोगिता आयोजन करा जाइथिला। एहा सहित संस्कृत श्लोक आवृत्ति प्रतियोगिता अनुष्ठित होइथिला। आसंता 8 तारिख रे कृतित्व अर्जन करथिबा छात्र छात्री को प्रमाणपत्र प्रदान करा जिवो। एही अवसर रे कार्यकारी सभापति प्रोफेसर विष्णुचरण चौधरी, आवाहक रमेश शरण त्रिपाठी, संपादक डाक्टर सागर रंजन त्रिपाठी प्रमुख उपस्थित रही विश्वनाथ दास को जीवनी उपरे आलोकपात करथिले। विचारक भावे अमिता मिश्र, डाक्टर संतोष कुमार दास, निरोध दास, लड़ुकिशोर मिश्र, पंडित प्रताप चंद्र शतपथी, गोपालकृष्ण पाढ़ी प्रमुख जोग देथिले। लिंगराज साहू, सीमांचल त्रिपाठी एवं विश्वनाथ दास परिवार रमेश चंद्र दास, नरेश चंद्र दास, सीमांचल दास प्रमुख सहयोग करथिले। उत्कल आश्रम सभागृह परिसर में नाट्यश्री रघुनाथ मिश्र दशम श्राद्ध वार्षिकी पालित हो स्मृति कमिटी सभापति विचित्रानंद बेवर्ता अध्यक्षता करे। अतिथि रूपे पूर्वतन विधायक एन नारायण रेड्डी, सुलेखिका स्वर्णप्रभा पाढ़ी, शिक्षावित सुरेश महापात्र और नाट्यकार रविनारायण बेहरा प्रमुख जोग देते। कवि गोपालकृष्ण पट्टनायकों रचित श्वेत पद्म पुस्तक उन्मोचन संबर्धित करा। नाट्यकार रमेश महाराणा, अमूल्य रंजन साहू, मनोज सामल, प्रदीप शतपथी समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति एही अवसर में उपस्थित थे। कविता पाठ उत्सव कार्यक्रम में दीनबंधु श्रीपल्लभ, चित्तरंजन पंडा, ज्योत्नाराणी स्वाई, सुभाष पट्टनायकों समेत बहु कवि और कवयित्री जोग देते। वर्तमान खेल खबर। खलिकोट कॉलेज खेल पड़िया रे मंगलवार ठारु लीड्स स्पोर्टिंग क्लब रो सहयोग रे प्रबाद पुरुष श्री विजु पटनायक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 उद्घाटित हो जाइछि। आसंता 5 तारीख पर्यंत एही टूर्नामेंट अनुष्ठित हेबो। उद्घाटनी अवसर रे चलचित्र अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी, सांसद चंद्रशेखर साहू और विधायक विक्रम कुमार पंडा प्रमुख अतिथि भाव जोग देते। क्लब तरफ बीजेडी नेता ज्योतिरंजन साहू, अजित पंडा, आदित्य पटनायक, दीपंकर महांति, शोभन कुमार नायक, संजित पाणिग्राही, मदन दळेई, तुम्बनाथ पंडा, तापस रंजन साहू, रवींद्र साहू, आशित सावत, सूर्यकांत सुबुद्धि, नेताजी पात्र, प्रभात साहू प्रमुख एही अवसर में उपस्थित रही खेल परिचालना करथिले। एथिरे 8टी टीम जोग देथिबा बळे प्रथम दिवस रे भुवनेश्वर मुक्तेश्वर स्पोर्टिंग क्लब और गंजाम वारियर मध्यरे खेल अनुष्ठित होइथिला। एथिरे मुक्तेश्वर क्लब 33 रन रे विजय होइथिला।
କେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ଓ ଦେବବ୍ରତ ଦେବ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। चतुर्थ बल नहीं आसवा खबर शेष करिबा पूर्वरु खास खबर पुणि थरे। ब्रह्मपुर ऐतिह्य मां बुढ़ी ठाकुरानी मंदिर स्वतंत्र उन्नतीकरण दाबी रे बीजेपी तरफ आरडीसी कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ। ब्रह्मपुर रे विमान बंदर प्रतिष्ठा दाबी रे ब्रह्मपुर वरिष्ठ नागरिक मंच तरफ दक्षिणांचल राजस्व कमिश्नर कार्यालय सम्मुखें धारणा। ओडिशा डेवलपमेंट फोरम तरफ ब्रह्मपुर में विमान बंदर प्रतिष्ठा दाबी खलिकोट कॉलेज सम्मुखें विक्षोभ। ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू गुड्स सेड रोड स्वास्थ्य केन्द्र में ग्रहण कले कोरोना टीका एवं ऐतिह्य संपन्न जौगड़ महोत्सव को ऑनलाइन माध्यम उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। प्रिंस डांस ग्रुप और ख्यातनामा गायक अभिजीत मजुमदार मुख्य आकर्षण। यूटीवी खबर को वर्तमान पई एठी रखुचु। नमस्कार।